तो सुमित और मनु चल पड़े हैं भाई आप आपकी दुल्हन यानी कि मोनू और सोनू ने ल्याण ने। राम राम जी सारा ने एक और नया व्लॉग में स्वागत है। तो ये व्लॉग है भाई सुमित की शादी को पार्ट टू और आज आप ड्रोन उड़ान लाग रहे हैं। हाँ ड्रोन को व्यू देखो तो हमें सबसे पहले तो मजा लियो अपने गांव को लुक देखो किसो के है थोड़ा सो देख लियो एकदमी। ईब फोटोशूट होगो भाई जो मद्रास हैं वे तैयार हो गए हैं और जो भी कुछ आपकी हिसाब से देना चाहो है तो 100, 200, 300, 500, 1000, 1200, 2000, 4000, 5000, 1 लाख, 2 लाख ईब दे देगा और फोटो खिंचवा लेगा। ऐ चीज़ में मम्मी गला बोल रहा है अगर भाई रुपया देने में नहीं फोटो खिंचाने में। और ये आ गया भाई ढोल वाला तो हमने बेरो है अपने डीजे अलाउड को नहीं तो अड़ पे आज नचांगा भाई एक बार और गम को तमी दम चौकड़ दे नीचे ते व्यू देख लियो तमी अपनो यो गांव है भाई तमी जरूर बताइयो मारो गांव तमने किसो लग्यो। बाकी धुंध आ रही है ज़्यादा दिखे को नहीं साफ बारिश को मौसम है आज सवेरे बारिश हुई थी तो उनकी वजह से थोड़ी सी धुंध है फिर भी तमने दिख जाओ जिसो भी है खुला खुला घर है भाई हमारा क्योंकि हमारी साइड में ज्यादातर खुला घर है पाया करें तो जिसा भी है तभी देख लियो भाई। तो सुमित और मनु चल पड़े हैं भाई आप आपकी दुल्हन यानी कि मोनू और सोनू ले ल्याण ने राजी हो रहे हैं बेचारा दोनों जना राजी तो क्यों को नहीं होता भाई ब्याह लाऊं और ये बजा दिया भाई पटाखा मैं तो कह करो उन्होंने देखी मैं खा पीसा का लगा दिया आग भाई पीसा का आग लगाने वालों एक काम हो भाई हो बाकी भाई वो कह करें भाई रौनक सोनक तो जरूरी भी है। और लियो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं दोनों दूल्हा और मेरे ताऊ यूँ कहना रहे चलो 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 क्योंकि जिम्मेवार आदमी की है वो भाई उन ताड़ ताड़ से डावागन और यो भाई दूध प्याण को मतलब कहें घर का आगे चले जा तो रसम हो या दूध प्याण वाली Thank you.
तो नाच नुच लिया है भाई, मंदिर में पूछ गए हैं दोनों दूल्हा और आड़ते धोख मार के फिर बारात में जाऊंगा। यो अपनो हनुमान जी को मंदिर है भाई, अपने गांव में तीन चार मंदिर हैं, तो यो पहली सबसे पहली यो यहाँ आगे, तो आड़े धोख मारा फिर उनके बाद में आगे चलांगा। तो ये बाग यहाँ पास श्याम जी का मंदिर में, यो अपने गांव को सबसे बड़ा मंदिर है भाई, और ये बाड़ धोख लगा के और आड़ सीधी रवानगी होगी बारात की अगला करा। तो भाई ईव आप आ गया मंदिर में से धोखमरा की घरा, क्योंकि अपनी गाड़ी थीवा बहने खड़ी थी, या गाड़ी लेके जावांगा आप आर मम्मी सा चार और एक नीसू है वो जाओगो, और इब चला गाड़ तो धूमर धामर आरी को नहीं, मौसम बिल्कुल साफ से एक बारी भगवान की दया थे, आर इब तरते आगे जाके मिलांगा। कुछ कहनी है भाई? कुछ इब भाई एंजॉय करेंगे शादी से, मतलब डांस करेंगे, ठीक है का डांस आपको चलो जाने आगे ले चलो बारात में। तो ये बापा पूछ गया हाँ भाई आग गए, और आग गए को यो खान पीन को जो भी सामान लगा रखे हो, टेंट लगा रखे हो, यो कुछ लुक है ऊपर थे ड्रोन को व्यू, तब ना आज ड्रोन का व्यू की कोई कमी को रहने दूँ, रीता का ब्याह में रह गई थी कोई बात नहीं, लेकिन आज तमें निराय ड्रोन ही ड्रोन का व्यू देखो, पहले तो तुम देखो टेंट को व्यू किसो के लगन लग रहे हो, तुमने बता दियो तुम। ऊपर उड़ दिया तमने कई देर होगी, तमने नीचे ले आऊँ हूँ तमने, बाकी बारीकी तो दिखाऊँ वो के कुछ बन रहे हो खाने में के कुछ नहीं है, एक डिश दिखाऊँ वो, यह है अपने सलाद आड़ी स्टाल आड़े सलाद, ये सलाद है और ईब ये आड़े मिठो और सारो सोदो आओगो आगा आगा मिक्स है सारो सोदो। तो ये वाड़े रिबन राबन काटन लाग रहे हैं भाई, और ये मजाक कर लाग रही है, वैकेंसी वगैरह वा साड़ी लकोले हैं तो भाई टोन लाग रहे हैं बेचारा दोनों जना। देखो भाई ये घर किसोक लग गया, किसोक सजा रखियो है, बाकी तम ही बताइयो मान तो देखो बहुत प्यारो लगे हो भाई घर, देखो कितनो बढ़िया डेकोरेशन सजा रखी है, बहुत बढ़िया काम है, बाकी तम भी तारी राय जरूर दे दियो। बिया कोई काजल गालण की रस्म हो भाई, तो वह पूरी होने लग रही हाड़े, तो ये बाड़े सुमित 100 रुपया देने लग रहे थे काजल का, 100 रुपया है क्या है बेरना भाई, मन तो दूर तो दिखे को नहीं, और ये भी ज्यादा है भाई ना, 100 को नहीं कई है भाई, मन तो कई दिखे है फिर भी को लेने लग रही, जब मैं उमर भाई अड़े तो 50 दू अरे, मैं तो थोक को नहीं अड़े, कोई और ही ब्लॉग बना दो। वरमाला गालन खातर दोनों दूल्हा पूछ गया स्टेज के ऊपर,
बस ये दुल्हन आनी बाकी है, फिर वरमाला वाला काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तभी देखो एक म्यूजिक से थी तो ये जो फोटो फाटो वालों काम हुआ करा वो करवा लिया भाई, बाबा भी फोटो खिंचवा लिया, चार जना सा गए। ये भी सही लागे, तेज भूख अरीब खा लिया खानो। आप खाने में के खाने लग रहे हैं, एक बार तुमने नज़दीक तो दिखा दूँ। यो कुछ है भाई खाने में, सिंपल है। इब फेरा खातर बैठ गया है भाई सुमित्र मनुज, और आपा भी कुर्सी गाल की बैठ गया डोली के सारे तक हवा ना लगा। और बाकी तमी जो भी है वो तमी एक म्यूजिक का सेती देखो, क्योंकि उसमें मज़ो ही नारो आओगे, क्योंकि फेरा पर बोलने में कोई फायदा को नहीं। बाकी तमी रसम तो जानो है सारी फेरा की। तभी एक चीज़ गौर कौन करी होगी, चलो तमने मैं भी करवा दूँ थोड़ा सा जूम करके। एक मिनट, ये देखो के लिख रखियो है सुमित की मोनू है भाई, सुमित की मोनू कोई से को नहीं। Yeah.
फेरा फारा हो गया है भाई, बासरीवाद आलो काम रह गया है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ईव जो है वो विदाई को टेम है और वो क्या कर रहे हैं समदरण लगा कर समी का थप्पो तो वो लगाए है भाई, आड़े हंसी मजाक चल लिया करे खूब। तो ईब घर की और रवानगी होने को टाइम हो गया भाई, सवेरे का 4 बज गया है। सुमित अपनी मनु ने लेके चाल पड़े है और मनुज अपनी सोनू ने लेके चाल पड़े है। तो तुमने ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है वो कर दियो भाई, मिलेंगे एक और नया व्लॉग के साथ। इतना अपनों और अपने परिवार को रखियो ध्यान, मारी तरफ से राम राम भाई।